बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक पे, जो गवर्नमेंट ने अभी नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और कंस्ट्रक्शन को एज एन इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है। तो इसमें हमारा एज अ रियल इस्टेट एजेंट, ये बहुत पुराना मुतालबा है और गवर्नमेंट ने इसको रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पिछले सालों में इस पर काफ़ी काम किया है और ये बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने इतना माशाल्लाह प्रमोशन के बारे में सोचा है, तो रियल इस्टेट एजेंट्स जो हैं इनकी भी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो ऑलरेडी चूँकि पाइपलाइन में है और सारा होमवर्क हुआ हुआ है, तो इसको भी एक्टिव कर दें ताकि जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए और हम भी अपने तौर पर मुल्क की तरक्की में बेहतर तौर पर काम कर सकें। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, थोड़ा इनको सिर्फ यह है कि रियलिस्टिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन वाला भी किया तो देखें, इसमें मेन स्टेक होल्डर तो रियल इस्टेट एजेंट ही है, इसी के थ्रू ही आपने ट्रांजेक्शन करनी है, चाहे प्लॉट बाइंग की हो या घर बेचने की हो। तो इन दोनों केसेस में हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, 100% चाहिए आपको। तो जब तक आप इन लोगों को रेगुलर नहीं करेंगे या इनको भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाएंगे तो आप अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये हमारा पुरजोर मुतालबा है कि आप गवर्नमेंट से कि आप इसको जो हमारी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसको फौरी एक्टिव करें ताकि हम बेहतर तरह से बेहतर तरीके से और 100% अपने मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकें और हम बेहतर रिजल्ट्स दे सकें और मुल्क के जो इनकम है, मईशत है, उसको अपने तौर पर जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकें वो हमें करने की तरफ, मतलब हमें एक स्टेप फॉरवर्ड में असिस्टेंस चाहिए जो इस सूरत में हो सकती है। बाकी फर्दर एप्रिसिएशन जो गवर्नमेंट कर रही है बाइंग सेलिंग एंड पे भी, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी स्टैम्प ड्यूटीज़ को डिक्रीज़ किया है अप टू 1%, ये भी बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। सिर्फ इसमें जो अभी हमारी कुछ रिजर्वेशन है वो ये है कि चूँकि अभी तक ज़ाहिर है चूँकि इस साल की जो फिस्कल ईयर है हमारा वो 30 जून को एंड होगा, तो ये जो भी अब आज आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इन्होंने 30 जून पे एंड हो जाना है। तो हमारी ये कोशिश, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि आप इन जो स्टेप्स आपने अभी लिए हैं आप इनको इतनी जल्दी आफ्टर 2.5 मंथ्स इसको रिविज़िट ना करें बल्कि आप इसको ले के चलें एटलीस्ट फॉर फर्दर 1 ईयर ताकि इसके फ्रूटफुल और हकीकी मानों में आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सकें। थैंक यू सो मच।